Face in your face. दोस्तों सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं गोरेगांव ईस्ट से। ये गोरेगांव ईस्ट का स्टेशन आप ये देख सकते हैं और ये पूरी यहाँ पर बाहर गांव के लिए जाने के लिए ट्रेनें सब यहीं से क्रॉस होकर जाती हैं दोस्तों। एक्चुअली मुंबई जो है लंबाई में पूरा बसा हुआ है और ये पूरा गोरेगांव का खूबसूरत मनोहर दृश्य आप ये देख सकते हैं। एसी ट्रेन भी लोकल चालू हो चुकी है दोस्तों मुंबई में, लेकिन इसका टिकट जो है कॉस्टली है। और आप नॉर्मल ट्रेन से जाते हैं तो गोरेगांव से चर्च गेट जाने के लिए आप 10 रुपये में ही पहुँच सकते हैं, लेकिन इसका टिकट जो है 150 से 200 रुपये टिकट लगता है दोस्तों एसी ट्रेन का। और दोपहर के समय हम कभी जाते हैं तो उतनी भीड़ नहीं मिलती है, या फर्स्ट क्लास में आप बैठ सकते हैं, उसका भी टिकट सस्ता पड़ता है एसी की अपेक्षा। और ये खूबसूरत और मनोहर दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों मुंबई दादर के बाद में। ये दोस्तों ये प्रभा देवी जो क्षेत्र है और लोअर परेल बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों ये मुंबई की। और यहाँ पर बड़े बड़े कंपनीज के यहाँ पर ऑफिसेज हैं, इंडिया बुल्स है, इंडिया बुल्स का ये ऑफिस ये सामने आप ये देख सकते हैं दोस्तों। ये लोअर परेल में आता है और यहाँ पर पुराने जो मिल्स थे उनको वो बंद हो गए किसी कारणवश, क्योंकि मुंबई में रहने की जगह ही ज़्यादातर लोगों को चाहिए रहती है। और जितने भी मिल्स थे वो ज़्यादातर गुजरात में शिफ्ट हो गए, जितने भी कपड़ा बनाने वाली मिल्स थे। हालांकि बहुत सारे मज़दूरों को नुकसान हुआ दोस्तों, उनकी रोजी रोटी चली गई, लेकिन ईश्वर है सभी का ख्याल रखता है आगे पीछे। जब वो कीड़े मकोड़ों पशु पक्षी सभी को खिलाता है तो इंसान तो सबसे नायाब बनाई हुई चीज़ है दोस्तों उनकी, और सबसे ज़्यादा प्यार वो इंसान से करते हैं। ये हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं लोअर परेल स्टेशन। जैसा कि हमने आपको बताया था ये लोअर परेल का बहुत ही खूबसूरत दोस्तों यहाँ पर ये मुंबई की बिल्डिंग्स दिखती है और बड़ा ही आनंद आता है। तो जो खूबसूरत जगह है वो ही हम आपको बता रहे हैं। और दोस्तों अगर आप गोरेगांव या बोरीवली से फास्ट ट्रेन अगर आप पकड़ते हैं तो बोरीवली से फास्ट ट्रेन अगर आप पकड़ते हैं विरार वाली, तो वो बोरीवली से सीधा अंधेरी रुकेगी, अंधेरी के बाद में बांद्रा रुकेगी, बांद्रा के बाद दादर, और उसके बाद में ये मुंबई सेंट्रल। तो बीच के स्टेशनों पर नहीं रुकती है स्लो ट्रेन, जो है बीच के सभी स्टेशनों पर रुक जाती है। और आपको मुंबई में अगर जल्दी फास्ट ट्रेवल करना है तो फास्ट ट्रेन पकड़िए और फटाफट दोस्तों आप एक जगह से दूसरी जगह 15 से 20 मिनट के अंदर आप इन लोकल ट्रेन के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। ऐसा ही हमने भी किया कि हाँ हमारी YouTube फैमिली जल्द से जल्द अच्छी और खूबसूरत जगह देखे। ये हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं ये मुंबई सेंट्रल स्टेशन। यहाँ से जितनी भी राजधानी है दोस्तों दिल्ली के लिए जो है तेजस राजधानी हुई, अगस्त क्रांति राजधानी तेजस हुई, सब यहीं से चलती है। गोल्डन टेंपल भी यहीं से चलती है बनकर। और मुंबई सेंट्रल के बाद में ट्रेनें सभी स्लो हो जाती है। ये चंडी रोड स्टेशन यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। अभी जैसे गणपति आने वाला है यहाँ पर, बड़े बड़े गणपतियों का विसर्जन यहीं चंडी रोड स्टेशन के करीब में ही गिरगांव चौपाटी है, यहीं पर सबसे बड़े बड़े गणपतियों का विसर्जन दोस्तों किया जाता है। और चरनी रोड स्टेशन के बाद में मरीन लाइन्स स्टेशन आता है। मरीन लाइन्स स्टेशन पे ये यहाँ पर दोस्तों बड़े बड़े स्टेडियम यहाँ पर आ जाते हैं मरीन लाइन्स और चर्च गेट के बीच में ही, और बहुत ही खूबसूरत। और यहीं से जो है मरीन ड्राइव जो है शुरू हो जाता है चरनी रोड से, और ये पूरा मरीन लाइन्स का खूबसूरत स्टेशन को आप ये देख सकते हैं। बहुत ही सारे स्टेशन काफ़ी अच्छे बने हुए हैं और समुद्र की हवाएं बहुत ही आनंद दे देती है दोस्तों। और यहीं पर इसके पश्चात ये देख सकते हैं आप ये मरीन लाइन्स स्टेशन, यहाँ पर बहुत ही बड़ा जिमखाना है। और ये दोस्तों
ये मुंबई की शान आन बान शान, ये वानखेड़े स्टेडियम दोस्तों मुंबई का, जहां पर कि सबसे बड़े बड़े मैचेस जो है मुंबई में यहीं पर होते हैं। आईपीएल हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, जो भी मैचेस होते हैं दोस्तों मुंबई में यहीं पर होते हैं। और ये स्टेशन जो है बिल्कुल चर्च गेट स्टेशन से लगा हुआ है, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप ये देख लीजिए, ये यहाँ पर ये वानखेड़े स्टेडियम, और ये हम कैमरे को पैन कर रहे हैं और ये पहुँच चुके हैं हम चर्च गेट स्टेशन। तो कितना आसान है, आप अगर वानखेड़े स्टेडियम अगर आप पहुँचना चाहते हैं, चर्च गेट में एक और स्टेडियम है ब्रेबोर्न स्टेडियम, बिल्कुल वो चर्च गेट स्टेशन से वो भी लगा हुआ है। एक्चुअली दो बड़े बड़े स्टेडियम जो हैं चर्च गेट स्टेशन के बिल्कुल करीब है, ब्रेबोर्न स्टेडियम और वानखेड़े स्टेडियम। ये चर्च गेट स्टेशन का खूबसूरत और मनोहर दृश्य आप ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा शेड डाल के दोस्तों इसको बनाया गया है। अमित जी ने गाना गाया था, चर्च का गेट है लेकिन चर्च है लापता दोस्तों, वाकई ही ये बात सही है। और ये यहाँ से अब हम आपको 137 नंबर की बस में लेकर जा रहे हैं दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया। सिर्फ 6 रुपये ही एसी बस में टिकट लगता है, अगर आपको साधन है तो आप टैक्सी से भी जा सकते हैं, किसी से भी, अगर जहाँ 2 पैसे बचते हैं तो बचाइए और जहाँ खर्च करना है वहाँ खर्च कीजिए। ये हम आपको लेकर आ चुके हैं ताजमहल होटल दोस्तों, यहाँ पर आप जितना चाहे उतना खर्च कीजिए, आपकी जेब में जितना पैसा है दोस्तों मुंबई तो आपके पैसे को लेने के लिए तैयार है। और ये यहाँ की खूबसूरत जगह दोस्तों, यहाँ पर पशु पक्षी, मैंने बताया आपको कि पशु पक्षी को भी खिलाता है ऊपर वाला। और ये ट्रैवल की बस, यहाँ पर ओपन बस डबल डेकर बस घुमाने के लिए चलती है दोस्तों, आधा एक घंटे के लिए आप इसमें घूम सकते हैं। और बहुत ही मानसून के मौसम की बात ही अलग है मुंबई की दोस्तों, ये देख सकते हैं बड़े बड़े ही जहाज़ सिर्फ समुद्र के बीच में हैं। मानसून के मौसम में जो समुद्र में घूमने का जो प्रतिक्रिया रहती है उसे बंद कर दिया जाता है, क्योंकि समुद्र की लहरों को आप देख लीजिए कितने उफान पर रहती है, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। इसी वजह से मछुआरों को और जो यहाँ आसपास में घुमाने के लिए जो छोटी छोटी बोटें रहती है लेकर जाते थे, पुराने वीडियोस में आपने देखा होगा, वो नहीं ले जाया जाता है क्योंकि बारिश के मौसम में समुद्र की लहरें बड़ी ही ज़बरदस्त हो जाती है, और उनसे बचने के लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी बोटिंग नहीं की जाती और कोई भी समुद्र में नहीं जा पाता है। और बस दूर से आप समुद्र का मज़ा लीजिए, समुद्र की लहरों का आनंद लीजिए। ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों ये समुद्र की लहरें आती हैं, और वाटर लेवल कभी तो दोस्तों इतना पूरा ऊपर तक आ जाता है। पूर्णमासी के रोज अगर आपको समुद्र की लहरों को देखना है तो दोस्तों पूर्णमासी के रोज में सबसे ज़्यादा हाई टाइड रहता है दोस्तों, कहीं पर भी आप समुद्र में के पास अगर आप जाएंगे। और ये ताज होटल का एंट्रेंस गेट दोस्तों, ये यहाँ पर अंदर आप कोई भी व्यक्ति अंदर जा सकता है, कोई वो बात नहीं है, और बस थोड़ा सा जेब खाली करनी पड़ती है। और ये पूरा यहाँ पर शॉपिंग के लिए है, यहाँ पर स्ट्रीट फैशन स्ट्रीट है दोस्तों, और यहाँ पर आकर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। और ये वापस से हमने अब निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अच्छा लेकर आएंगे। ये सामने ही आप ताज होटल को देख सकते हैं, और अपना ख्याल रखिए। मुंबई का वीडियो 1 घंटे का है, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें सभी फिल्म एक्टरों के घर, पूरा फिल्म सिटी टूर और जितने भी फिल्म स्टूडियो हैं मुंबई शहर में, उन सभी का आप आनंद ले सकते हैं। तो लिंक दबाइए देर ना करते हुए, और चलिए आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे। गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, अपना ख्याल रखिए,
फिर मिलते हैं मानसून के मौसम में मुंबई में घूमते हुए आपसे।